नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। हिसार के अस्पताल का नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया है। वहीं पानीपत में भी इसकी शुरुआत की गई। पानीपत में रिफाइनरी के सहयोग से 300 बेड का गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल जनता को समर्पित किया गया ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। वहीं गुरुग्राम में भी 500 बेड के कोविड अस्पताल तैयार किए गए। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर हिसार में आप देख सकते हैं अस्पताल के अंदर कैसी व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर जो वेटिंग हॉल है वो किस तरह बनाया गया है, इसके साथ ही वहां पर कितनी मशीनरी और कितने बेड होंगे। दूसरी तस्वीरें जहां पर सीएम पहुंचे, इस दौरान उन्होंने उद्घाटन किया, कई सुरक्षाकर्मी और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर है गुरुग्राम की, जहाँ पर सीएम ने डॉक्टरों से बातचीत की और वहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी इससे भी दो चार हुए। तो अब कोविड को लेकर सरकार एक्शन में आ चुकी है। अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसी मरीज को परेशान न होना पड़े, इलाज वक्त पर हो और मरीज जल्द ठीक हो। कोविड 19 महामारी पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार निरंतर व्यवस्थाएं बढ़ाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हिसार में हरियाणा सरकार ने 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अस्पताल की विविधता शुरुआत की। हिसार के अस्पताल का नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया है। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जिनका हमको 152 मीट्रिक टन कोटा पहले अलाट हुआ था, आज बढ़कर के वो 282 मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन विषय ये ध्यान में भी आया कि ये जो कोटा है, ये लिक्विड ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके अस्पतालों में पहुंचाते हैं। हमारे दो स्थान ऐसे हैं हरियाणा में जहां गैस रूप में ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है, लिक्विड बनाने में तो समय भी लगता है, मशीनरी भी लगती है, पैसा भी लगता है, बहुत कठिन काम है, बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। क्यों नहीं हम गैस के फॉर्म में ही ऑक्सीजन का उपयोग करें और जहां गैस की हमारे पास उपलब्धि है ऑक्सीजन की, वहीं क्यों ना हम अस्पताल बनाएं। जैसा कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं पर, ये तो जाते हुए हमने देखा है, कुआं प्यासे के पास चला गया। अर्थात हमने दोनों स्थान छाटे, ये विचार शुरू हुआ। हरियाणा में देश का पहला ये अस्पताल है जहां गैस, जहां प्रोडक्ट बन रही है वहीं पर हमने अस्पताल बना दिया। महीना भर पहले शुरू हुआ, जैसे बताया कि मैं 26 अप्रैल को यहाँ आया था, सारी योजनाएँ यहाँ बनाई थी और मैं जितने भी एजेंसीज हैं इस अस्पताल को बनाने के लिए, चाहे इसको कंसीव करने के लिए टेक्निकल, उन्होंने जो हमको जानकारियाँ दी, फिर PWD लगा, खास करके जिंदल स्टेनलेस की जो हमारी इंडस्ट्री, जिनका ये अपना विद्यालय भी है और जिन्होंने गैस सप्लाई की हमको, जो हाँ भी की उस समय, सारी व्यवस्थाएँ उन्होंने बनाई। फिर हमारे ग्रामीण विकास का जो डिपार्टमेंट है या अन्य विभाग PWD, जिन्होंने भी इसमें काम किया है, दो एजेंसीज लगाई गई हैं इसमें, प्राइवेट एजेंसी जिनको हमने ये ठेका दिया है और लगभग इसकी जो कीमत है शायद वो 16 करोड़ ऐसा कुछ राशि इस पर लगाई गई है। तो इनका सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि रिकॉर्ड समय में इन्होंने अस्पताल तैयार किया है। 5000 बेड्स स्पेयर हैं अस्पतालों में, लेकिन आज ये 1500 और जुड़ जाएंगे तो इससे और सुविधा हो जाएगी। जो आसपास के जिले या हमारे CHCs, PHCs या हमारे सिविल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसको जगह नहीं मिलेगी, उनको सीधा इन अस्पतालों में आसपास के जिलों के लोग यहाँ आएंगे और उसका उनका सबका इलाज हो सकेगा। जिनका हमको 152 मीट्रिक टन कोटा पहले। तो वहीं दूसरी तरफ पानीपत में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड अस्पताल जनता को समर्पित किया। पानीपत रिफाइनरी के सहयोग से 300 बेड का गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। रिफाइनरी के पास 300 ऑक्सीजन बेड का कोविड अस्पताल आज से शुरू हो गया। अस्पताल में 325 मेडिकल स्टाफ भी दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ESI के लोग,
आईएमए के लोग जिन्होंने भी, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ इसराना में, क्या नाम, एमसी मेडिकल कॉलेज, उन्होंने अपना स्टाफ ये हमको दिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सामूहिक रूप से एक ऐसा विषय जो पहले सोचा कभी नहीं था, इतना जल्दी तैयार हुआ, आज इसका हम उद्घाटन यहाँ कर रहे हैं। 500 बेड का ये बनना है, 300 बेड का तैयार हो चुका है, साथ ही 200 बेड का और लगातार तैयार हो जाएगा। आज ये किसी प्रकार का अस्पताल मैं हिसार में उद्घाटन करके आया हूँ, वो भी 500 बेड का अस्पताल है, वो भी चालू हो चुका है। तो 1000 बेड की ये व्यवस्था, और अभी सायंकाल 2 छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी, अभी तक जो हमारी जो ऑक्सीजन बेड्स, यानी आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000-14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था, आज से 1500 और बढ़ करके 19,000 बेड्स हो जाएंगे, और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं, हमारा सरकारी जितना अभी 3 दिन से 4 दिन से एक और नई बीमारी इसके साथ जुड़ करके आई है, ब्लैक फंगस। अब ये ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, कल हमको रिपोर्ट मिली कि हरियाणा में अभी 60 ब्लैक फंगस के केस आए हैं, लेकिन वो भी एक ऐसी छुआछूत की बीमारी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना महामारी को मानवता के खिलाफ हमला बताया। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अनिल विज ने कहा कि महामारी के इस संकट काल में किसानों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। सरकार ने प्रदेश में 2 अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है और इसी के साथ सभी को जिले के अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। रविवार को अनिल विज ने अस्थायी कोविड अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम से लौटते वक्त कुछ समय के लिए घरोड़ा रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। बहुत लाभ मिलेगा इसका दीदी, 500 बेड का और 500 बेड का हिसार में हम, और ऑक्सीजन बेड्स हैं ये सारे के सारे दीदी, तो वैसे भी सारे जिलों में हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। सरकार कोविड को लेकर बड़े प्रयासरत है और बड़े मेहनत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को देखते हैं तो कोविड कहीं ना कहीं एक सरकार बैकफुट मारी है। नहीं, सरकार अपना काम कर रही है जी, और किसानों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ये तो महामारी है, ये तो मानवता के खिलाफ एक जो वायरस है उसका आक्रमण है, इसका तो सबको मिलकर मुकाबला करना है। सरकार नवे नवे कोविड सेंटर बना रही है, और विशेषकर गोंडा की बात करें कि गोंडा में पीएचसी है कई जो बिल्कुल खाली और तैयार पड़ी है, सरकार अच्छा उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ उसको। हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल जब कोविड अस्पताल का उद्घाटन करके चले गए, तब सैकड़ों की संख्या में किसान वहां एकजुट हुए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और किसानों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर विरोध की तस्वीरें हैं, किसान पहुंचे और पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, बैरिकेडिंग लगाई गई, किसानों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन किसानों का विरोध जारी रहा। दूसरी तस्वीरें जहां पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो वहीं तीसरी तस्वीर जहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात नजर। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण आत्रे ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों ने हिसार में अस्पताल के उद्घाटन का विरोध किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अराजक तत्वों ने किसान का चोला पहनकर अराजकता फैलाने की कोशिश की है। कोरोना काल में जबकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरत है, ऐसे में अस्पताल का विरोध करने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने गुरनाम सिंह चौधरी पर भी हमला बोला। प्रवीण आत्रे ने कहा कि यह अस्पताल का नहीं बल्कि समाज का विरोध है, और विरोध करने वालों को न तो किसानों की चिंता है, न कानून की, और न ही प्रदेश की जनता की। किसान का चोला पहनकर कुछ अराजक तत्वों ने जिस तरह से आज प्रदेश के अंदर एक अस्पताल के उद्घाटन का विरोध किया है,
उससे पता लगता है कि ये अराजक तत्व तो लगातार प्रदेश में जिस तरह की गुंडई कर रहे हैं, किसान का चोला पहनकर लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इस महामारी में जहां प्रदेश की जनता को अस्पताल की जरूरत है, प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, प्रदेश सरकार लगातार अस्पताल बना रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रही है, वहीं ये अराजक तत्व किसान का चोला पहनकर अस्पताल के उद्घाटन का विरोध करने पहुंच गए। शर्म आनी चाहिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोगों को जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं और वहीं दूसरी तरफ किसानों को बदनाम करते हैं और इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं। ये प्रदेश की जनता का विरोध है, ये समाज का विरोध है, ये समाज को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का विरोध करके ये दिखा रहे हैं कि ना तो इनको किसान की चिंता है, ना इनको प्रदेश की चिंता है, ना इनको कानून व्यवस्था की चिंता है और ना ही इनको प्रदेश की जनता को की सुविधाओं की चिंता है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी में कोविड केंद्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र में सभी सुविधाएं अपडेट रखने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की फुल मात्रा में उपलब्धता है, एम्बुलेंस सुविधा, कोविड जांच टीम गांव-गांव जाकर हर एक गांव की जांच करेगी ग्रामीण की, ताकि कोरोना को जड़ से हराया जा सके। का काम भी ज्यादा हुआ है, रिकवरी रेट भी अच्छा है और बेड भी उपलब्ध है। अब मैंने अधिकारियों को बोला है कि जो गांव-गांव में जाकर टीम बनाएं, रैपिड टेस्ट कराएं, ताकि तुरंत पेशेंट को पता चल जाए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। और गांव के अंदर जो जागरूकता लेके आए कि जिस भी कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास या इससे नीचे आता है तो तुरंत उसको अप्लाई करें। हमने देखा है कि गाँव से जब ऑक्सीजन बिल्कुल डिप कर जाता है, 60-70 हो जाता है, तब भागते हैं और फिर वेंटिलेटर मांगते हैं। तो सारे मैंने कहा है कि सब हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारी साहब गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें और जो होम आइसोलेशन किट हमने तैयार कर दी हैं, एम्बुलेंस भी तैयार कर दी हैं, बसों में एम्बुलेंस भी हमने बढ़ा दी है, पुलिस की भी हमने PCR की बहुत सारी गाड़ियाँ दे दी हैं। सरकार ने बहुत साधन उपलब्ध कराए हैं। दादरी ज़िले के अंदर ऑक्सीजन का भंडार पूरा है, कोई कमी नहीं है। घर पे भी होम आइसोलेशन के लिए ऑक्सीजन हम उपलब्ध करवा रहे हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर यहाँ चालू हैं, एक आध डॉक्टर की कमी है और एक समस्या हमारे पास है जो सिलेंडर की, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे। प्रदेश सरकार से उसकी बजाय हमने यहाँ कंसनट्रेटर दिए हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराएंगे। और मुझे आशा है कि दादरी ज़िला जो है जल्दी से जल्दी रिकवर होंगे, पहले 2-3 जिले उनमें से एक होगा। हमारा जो यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के डॉक्टर जो है दिन रात मेहनत करके सेवा कर रहे हैं। दूसरा, मैंने DC साहब को बोल दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल कि जो भी पेशेंट वहाँ से रिलीज होगा उसकी कॉपी एक अधिकारी नोडल अफसर लगा दें, उसकी कॉपी व्हाट्सएप करें ताकि इस महामारी के वक्त कोई गलत ओवर चार्जिंग ना करें। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान सामने आया, बेहतर प्रबंधन से घट रहे हैं कोरोना के मरीज। रणजीत सिंह ने कहा, आपको बता दें गांव में बांटी जा चुकी है करीब 15,000 मेडिकल किट। ये कहना है रणदीप सिंह का। उन्होंने कहा कि 9,000 मेडिकल किट और तैयार की जा रही हैं। हर गांव में करीब 100 मेडिकल किट बांटने का हमारा लक्ष्य है, जिसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है रणदीप सिंह का। ये बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें, बिजली मंत्री ने ली जिले के RMP डॉक्टर्स की बैठक और बैठक में 200 से ज़्यादा RMP डॉक्टर्स के साथ वो बैठे। उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और CMO भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सिरसा को दिए हैं 50 लाख रुपए। लॉकडाउन की सख्ती की वजह से कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। उन्होंने कहा
कि कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। प्रदेश में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। सिरसा में भी 7 मरीज ब्लैक फंगस के देखने को मिले, जिनका शहर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सीएमओ डॉक्टर मुनीश बांसल ने बताया कि 7 केस रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे। जो मरीज ब्लैक लक्षण जिसमें पाए गए, उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जो कोरोना के मरीज पहले से शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे मरीजों में इसकी संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा कोरोना के इलाज के लिए कई अत्यधिक स्टेरॉइड्स के सेवन से भी ब्लैक फंगस होने का खतरा बना रहता है। दिल्ली NCR से सटे फरीदाबाद में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। हालांकि पीड़ित महिला का सफल ऑपरेशन करके उसका जीवन बचा लिया गया। SMB अस्पताल के डॉक्टर्स ने 68 साल की बुजुर्ग महिला को एक नई जिंदगी दी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि महिला 11 मई को OPD में आई थी। पिछले 2 दिनों से चेहरे के दाहिने हिस्से में सूजन, सुन्नता और दर्द की परेशानी थी। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था और दाहिनी आंख की रोशनी भी कम हो चुकी थी। 26 अप्रैल 2021 को RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो 15 दिनों से घर पर ही थी। मरीज की हालत अब स्थिर है। SSB अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर SS बंसल ने ब्लैक फंगस के सफल ऑपरेशन पर अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को बधाई दी। तो फरीदाबाद में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर लगातार मरीजों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, कोई भी दवाई मेडिकल से न ले। तो फिलहाल इस ऑपरेशन में डॉक्टर्स ने सफलता हासिल की। कुरुक्षेत्र में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। कालाबाजारी का एक मामला रविवार को कुरुक्षेत्र से सामने आया। बड़ा सवाल यह भी है कि ऑक्सीजन प्लांट पर अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद भी कालाबाजारी हो रही है। निजी एम्बुलेंस ड्राइवर रविवार को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 के एक ऑक्सीजन प्लांट पर बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर लेने गया। इसका रेट 135 रुपये प्रति लीटर बताया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने 4 ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले 600 रुपये दिए, जबकि बनते हैं सिर्फ 540 रुपये। इसके बाद भी मैनेजर ने 200 रुपये और मांगे। एम्बुलेंस ड्राइवर के मना करने पर मैनेजर ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना करने लगा। ऐसे में एम्बुलेंस ड्राइवर ने 200 रुपये और दिए और बिल भी मांगा। मैनेजर जसबीर ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि बिल मालिक देगा। इस पर भी हंगामा हुआ और इस दौरान एम्बुलेंस चालक ने पूरी बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। बता दें कि 2 दिन पहले ही विधायक सुभाष ने प्लांट में गए थे और कालाबाजारी रोकने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन अब भी हिदायतों के बाद भी प्लांट में लूटने का प्रयास लगातार जारी है। कल हमने ऑक्सीजन नहीं मिली थी तो विधायक साहब ने अपने PA भेजे थे जी, राजू जी, और हमारा फोन से संपर्क करने के बाद हमें ऑक्सीजन अवेलेबल करा दी थी। विधायक जी के फोन करने से या फिर गवर्नमेंट का जो भी रूल है उस तरीके से बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर हमें 135 रुपये का और डी टाइप 315 रुपये का मिला था, लेकिन आज ही हम दोबारा ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने गए वहीं कुरुक्षेत्र के अस्पताल सेक्टर 2 में, तो वहां के जो पर कर्मी लगा रखे हैं तो उसने आज सिलेंडर बी टाइप सिलेंडर हमें 200 रुपये का बोला है जी। जी सर, क्या कहेंगे, क्या छोटे सिलेंडर का रेट है जी बी टाइप का जी 135 रुपये जी। अच्छा जी, बड़े सिलेंडर 200 रुपये जी। अच्छा, जो अभी मामला हुआ एम्बुलेंस के साथ वो क्या मामला था सर? उसके तो कुछ नहीं था, गड़बड़ी लगी बस। नहीं, उसने 200 रुपये ज्यादा लिए, नहीं कुछ नहीं लिया सर। तो आप वापस भी कर रहे हैं वीडियो में? वीडियो वायरल आएगा आपकी उसमें। तो आपने पहले ज्यादा लिए फिर वापस कर रहे हैं आपकी? सर बनाया था, कुछ नहीं बनाया था उसका जी। बिल बढ़ने के बाद पैसे दे उसके पास।
अच्छा, तो पैसे आपने वापस क्यों, इतने क्यों लिए, वापस दे रहे हो आप तो वीडियो में? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।